नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। आपको पता है कि आज पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ी जीत दिला दी। बिहार में जातीय गणना होगी, मतलब कास्ट सर्वे होगा, जिसे जातीय जनगणना भी कहा जाता रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार को बड़ी जीत मिली है और नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम यह गिनती इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समाज की स्थिति को जाने, सामाजिक स्थिति को जाने, आर्थिक स्थिति को जाने, लेकिन इसे चुनौती दी गई थी। तो आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने उन पेटिशंस को डिसमिस कर दिया जिसमें राज्य सरकार के फैसले को, आपको यह भी पता है कि यह प्रक्रिया चल रही थी, सरकार कह रही थी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 500 करोड़ रुपए का खर्च भी किया जा रहा था, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि यह चुनावी हथकंडा है। पर आज पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, देव प्रकाश सिंह साहब कह रहे थे कि फैसला तो ऐसा आया है राज्य सरकार के पक्ष में, नीतीश कुमार के फैसले के पक्ष में, कि नीतीश कुमार को हाईकोर्ट के इस फैसले को मरवा कर अपने कार्यालय कक्ष में टंगवा देना चाहिए ताकि लोग समझें कि वे जो कहते हैं वह कितना न्याय संगत होता है। ऐसी बातें आप क्यों कह रहे हैं, क्या कह दिया? देखिए, जो आदेश हुआ है जी, इसको थंपिंग विक्ट्री कहा जा सकता है जी, राज्य सरकार की थंपिंग विक्ट्री जी। और उसके आदेश 101 पेज का है जी, उसमें पेज नंबर 100 पेज जी, और पारा नंबर 84 में जी जो कहा है मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में जस्टिस पारा सारथी भी थे जी, कि परफेक्टली वैलिड है, परफेक्टली कंपिटेंट है जी, और ये डेवलपमेंट विद जस्टिस है जो उन्होंने कहा, डेवलपमेंट विद जस्टिस है, डेवलपमेंट विद जस्टिस जो न्याय के साथ विकास जी के नीति के बिल्कुल अनुरूप है जी। इसको इस लैंग्वेज में तो नीतीश कुमार यही बात तो कहते रहे 2005 से कि मैं जो करता हूं वह डेवलपमेंट बेस्ड जस्टिस है, न्याय के साथ शासन कहते हैं, ये न्याय के साथ विकास की बात आ गई। पढ़ा इसको इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी कर दूंगा जी, द एक्शन ऑफ द स्टेट जी टू बी परफेक्टली वैलिड इनिशिएटेड विद ड्यू कॉम्पिटेंस, में सक्षम है जी, विद द लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विद जस्टिस एज प्रोक्लेम्ड इन द एड्रेस ऑफ बोथ द हाउस, जो कहा जिस समय ये पास हुआ था दोनों हाउसेस से, उस समय ये बात कहा गया था, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी विक्ट्री को थंपिंग में विक्ट्री कह सकते हैं। और मैंने कहा ये जो पाड़ा है 84, ये मैं आपसे कह रहा था कि सरकार को मढ़वा के टंगवा देना चाहिए। अच्छा, तो ये नीतीश कुमार की जीत, और देखिए कहा यह जा रहा है कि ये मंत्रा भी है बिहार में महागठबंधन की सरकार का। देव प्रकाश सिंह साहब इसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह कानूनी पक्ष नहीं है कि 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार के विरोधी कह रहे थे। देखिए वे क्या कहते थे, वे कहते थे कि यहाँ जात से जात को लड़ाने के लिए यह गणना कराई जा रही है, बहुत सारी राजनीति हो रही थी, लेकिन अब तो पटना हाईकोर्ट, जिसे देव प्रकाश सिंह साहब कर थंपिंग विक्ट्री है, और ये पटना उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, आदेश होता है जी, कई एक बार शिलालेख पर लिख दिया जाता है, शिलालेख पर लिख दिया जाता है। आपको याद होगा कभी किसी ने पटना उच्च न्यायालय नहीं जंगल राज वर्ड कहा, हाँ जी बिल्कुल, और काफी दिन तक ये हॉन्ट करता रहा, आज भी कहा जाता है, आज पटना उच्च न्यायालय ने कहा न्याय के साथ विकास, तो ये भी बात अब दूर तलक जाएगी, ये नजदीक नहीं रुकेगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, इतना सुंदर जजमेंट को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जी, ये सब इसलिए मैंने कहा इसको मरवा कर टंगवा देने वाली बात। और सबसे बड़ी बात, दो तीन बातें जो इन्होंने कहा, जो जिन बातों पर जो पिटिशनर लोगों ने हंगामा मचाया था कि ये सब बातें नहीं हैं, उसमें तीनों बातों को एक एक करके खंडित कर दिया है जो मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने जी, जो कहा कि राइट टू प्राइवेसी हमारा खंडित, हाँ, कहा जा रहा था, हाँ जी, तो जो पुत्ता स्वामी जजमेंट जिसमें चंद्रचूर साहब भी थे जी, उसमें वो तीन बातें कही गई, उसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी तब तक खंडित नहीं होगा, तब खंडित होगा जब उसके लिए कोई लॉ है, जैसे कि मान लो किसी को अरेस्ट करना है तो लॉ है वहां पर, तो लोग अरेस्ट करते हैं तभी खंडित होता है। दूसरा कहा कि इसमें कोई राज्य का कोई लेजिटिमेट न्याय संगत इंटरेस्ट हित होना चाहिए, राज्य का हित मतलब लोक हित, लोक का कोई न्याय संगत हित अगर होता है
वैसे हालत में प्राइवेसी को खंडित की जा सकती है। तीसरा कहा कि जो खंडन किया जाए, जैसे किसी का सर्जरी ऑपरेशन करना है, हल्का चीरा लगाना है, पूरा पेट तो नहीं फाड़ देंगे उसका जी, उसी ढंग से कहा कि जितना हद तक खंडित करना है उतना है, जिसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। कोई भी कानून बनता है उसमें अगर समानुपातिक अगर नहीं है, जितना करना है उतना ही अगर है, तो वो कानून भी आर्बिट्रेरी, जिसको आर्टिकल 14 कहते हैं, उसके अगेंस्ट में जाता है। ये तीन बातें उन्होंने कहा कि कोई एक लॉ होना चाहिए, दूसरा कहा कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, और तीसरी बात कही गई कि समानुपातिक कानून होना चाहिए, क्योंकि समानुपातिक कानून जो है सरकार के मनमौजीपन के खिलाफ जाता है। तो उसने कहा समानुपातिक भी है ये तीनों, जो अच्छा। जो ट्रिपल टेस्ट है वो ट्रिपल टेस्ट पर ये जो जनगणना है ये खरा उतरती है। उसके बाद था कि जो डाटा है वो डाटा प्रोटेक्शन नहीं किया गया, उस पर बेल्ट्रोन के ओएसडी साहब ने लिख करके भी दिया है लेटर, डाटा हमारा फुल्ली प्रोटेक्टेड है और डाटा को सरकार केवल अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी, क्योंकि होता कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड रिसोर्स को बांटना है कुछ लोगों, सरकार के पास बहुत नियम जो साधन है बहुत सीमित है, और सीमित साधन से विकास करना है, तो सीमित साधन से विकास करना सरकार के पास गिनती स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गिनती स्पष्ट होने के लिए जो डाटा है उसी का केवल यूज होगा और किसी ढंग का इसका यूज नहीं किया जाएगा, और बेल्ट्रोन के पास डाटा सुरक्षित रहेगा, इस डाटा का ना स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ना किसी मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है, डाटा सिक्योरिटी की जिसको कहें अंडरटेकिंग दिया है गवर्नमेंट ने पटना उच्च न्यायालय को, जो भी डाटा हम लेंगे उसको पूर्णतः सुरक्षित रखेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि यह कोई व्यक्ति का मैंने व्यक्ति केंद्रित डाटा नहीं है, ये तो परिवार के प्रमुख से हम पूछ ले रहे हैं कि एक रफ जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डाटा है, इससे केवल जानकारी हमें लेना है कि राज्य में जो विभिन्न जातियाँ हैं, क्योंकि इंदिरा सानी जजमेंट को कोट किया है 79 नंबर पाड़ा में पटना उच्च न्यायालय, इंदिरा सानी जजमेंट में कहा कि जाति जो है बाय डिसेंट मिलता है। अच्छा, ये बड़ी बात आ रही है, देखिए हाँ। देश में धर्म हिंदू मुस्लिम और एक दूसरा पक्ष जात जात, तो इस पर भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ कहा, इंदिरा सानी जजमेंट को कोट किया है, उसने कहा कि जाति जन्म से आता है, जाति जन्म से आती है, जबकि धर्म जो है एक विश्वास है, धर्म को कई एक बार एक ही परिवार में दो तीन धर्म के लोग रहते हैं जी, लेकिन जाति एक ही होते हैं सबके सब, वो जाति आप उसी वहीं से आते हैं जिसके जहां पैदा लेते हैं जी। तो कहा कि जो मतलब जाति बदली नहीं जा सकती, धर्म को बदला सकता है, डिनोमिनेटर है, और ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा इंदिरा सानी जजमेंट में, और बात कहा कि अगर जाति के हिसाब से अगर कोई देखा गया कहीं पर इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये स्टडी करना चाह रही है सरकार, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, यह बात भी पटना उच्च न्यायालय ने कह दिया। जो डाटा सिक्योरिटी की बात है उसमें उसको भी मान लिया गया, जो बेल्ट्रोन के ओएसडी ने लिख कर दिया उसको हू बहू मान लिया गया कि नहीं डाटा पूर्णतः सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है, और यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति की प्राइवेसी निजता का अधिकार है, उसमें बहुत ही लिमिटेड हम इंसिजन कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं कर जिससे उसको कोई हानि हो जाए, और उस डाटा को पूर्णतः सुरक्षित करके रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है सरकार, जितने लोगों को जो भी ऑब्जेक्शंस थे सबको ब्यौरेबार पारावार सबका जवाब दिया गया है, और जवाब दे करके कहा कि एक सरकार पूर्णतः कंपिटेंट है, पूर्णतः सक्षम है, और यह जो सरकार का जो ये नीति है, ये जो कदम है, ये बिल्कुल न्याय के साथ विकास के नीति के अनुरूप है। अच्छा, आप देवप्रकाश सिंह साहब, यदि हम इस पूरी कार्यवाही को देखें या मुकदमेबाजी को देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था, मुकुल रोहतगी साहब देश के बहुत बड़े वकील यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से खड़े हुए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को यह मामला भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा, देखिए बीजेपी वाले कह रहे थे कि इस केस में जो स्टे मिला था जिसके आधार पर जातीय जनगणना रोक दी गई थी, बीजेपी वालों का मिजाज तो कुछ दूसरा ही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अच्छे ढंग से पैरवी राज्य सरकार ने नहीं कराई, अच्छे वकील नहीं रखे, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से जो बिहार के एडवोकेट जनरल हैं सीनियर एडवोकेट पी के शाही, वे ही पटना हाईकोर्ट में भी मुकदमा लड़ते रहे अपने बूते, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी खुद जिरह की थी। अब जबकि फैसला आ गया सरकार के पक्ष में, और यूथ फॉर इक्वलिटी और जो दूसरे संगठन थे जिन्होंने यह पीआईएल दायर किया था उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई, तो यह मानना पड़ेगा कि पीके शाही ने तो अपनी जानकारी अपने ज्ञान का लोहा मनवा लिया। देखिए महाधिवक्ता महोदय के कॉम्पिटेंस पर कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं रहा है जी, और न रहेगा जी। उन्होंने अब काफ़ी जोर शोर से अपनी बातों को रखा, दो तीन बातें ही थी इसमें ना, कि एक तो सरकार को कहा गया कि जनगणना का अधिकार नहीं है, यूनियन लिस्ट
शेड्यूल 7 के एंट्री नंबर 69 में जनगणना का अधिकार, जनगणना कानून भारत सरकार का अधीन आता है। दूसरी बात कही गई कि सरकार ने जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कहीं कहीं खंडित किया है। और तीसरी बात कही गई जो इसके लिए जो धन का व्यवस्था किया गया है वो कंसोलिडेटेड फंड से किया गया है। तो इसको तीनों को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बता दिया कि भाई हम जनगणना तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आर्थिक विकास में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उसको उपयोग में लाना है, ऐसा कोई पॉलिटिकल यूज हम नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जो राइट टू प्राइवेसी कहा उसको भी उन्होंने कहा कि लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट तक अलाउ किया गया, जो पुत्ता स्वामी जजमेंट है जिसके तहत कहा कि राइट टू निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, उस अधिकार को भी कहा गया कि नहीं उसमें लेजिटिमेट इंसिजन हो सकता है अगर राज्य का हित हो। और उसमें साथ में यह भी कहा कि समानुपातिक हो, कि जितना हो उतना ही रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और तीसरी बात कहा कि अगर कोई कानून इसके लिए बनता है तो तभी होता। तीन बात उन्होंने कहा, तीनों बात को यहाँ पर ले लिया गया है और एक एक चीज़ को स्टेप करते हुए कह दिया गया। महाधिवक्ता महोदय ने बहुत बखूबी इस पर जिरह की और जिरह करके पटना उच्च न्यायालय ने इसको माना भी। और आप देखिए कि इंट्रीम रिलीफ जो हुआ था, इंट्रीम स्टे हुआ था, उससे ठीक जैसे उत्तर और दक्षिण वाली बात हो गई, सीधे पलट गई मामला, इसको तो विक्ट्री तो कहा ही जाएगा। चलिए विक्ट्री की बात देखिए, जो प्रकाश सिंह साहब आप पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी पक्ष को समझते हैं, लेकिन इसके अलावा एक नागरिक भी हैं, बिहार की देश के नागरिक हैं। मैं एक बात आपसे यह समझना चाहता हूँ कि आज तो बीजेपी वालों के कलेजे पर सांप लौट गया होगा जब पटना हाईकोर्ट का यह फैसला आया और नीतीश कुमार जो कहते हैं डेवलपमेंट विथ जस्टिस, जो उनका नारा है, पटना हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया कि यह जो काम सरकार कर रही है उसके अनुरूप कर रही है। कलेजे पर सांप तो लूट गया। बीजेपी के पेटिशनर कोई नहीं थे, पेटिशनर तो कोई यूथ ऑफ क्रिएट नहीं, नीरज कुमार तो आरोप लगा रहे थे कि इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी पेटिशनर कोई नहीं जी, लेकिन न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का नारा, सरकार की विक्ट्री बहुत बड़ी है, थंपिंग विक्ट्री, ये बात स्थापित। बीजेपी के कौन आदमी सुनेंगे, पेटिशनर में तो कोई बीजेपी का आदमी नहीं। चलिए तो अब आपको लगता है कि इस काम को जल्दी सरकार शुरू कराएगी और इसे अंजाम तक भी पहुंचाएगी? सरकार का तो सारा मैकेनिज्म तैयार है, मशीनरी तैयार है, तुरंत शुरू करेगी जी इसको। तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तब ना जी। चलिए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के एक मतदाता होने के कारण आपसे हम यह भी समझना चाहते हैं 2024 के चुनाव को यह प्रभावित तो कर देगा जब आंकड़े आएंगे। सरकार जो वर्तमान सरकार है उसका कुछ न कुछ बेनिफिट, लाभांश तो मिलेगा जी, डिविडेंड मिलेगा। हाँ हाँ, ये तो सही बात, मतलब धर्म के सामने जात खड़ी हो जाएगी। धन किसका? धर्म के सामने, धर्म के सामने। हाँ देखिए, यह तो शुरू से यहाँ बहुत विगत कई एक दशकों से चल रहा है कि रिलीजियन वर्सेज कास्ट जी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से दोनों चीज़ों, अगर हम नागरिक का विकास होना चाहिए, नागरिक का वैल्यूएशन होना चाहिए, इन चीज़ों से मुख्य नागरिक का कहीं ना कहीं वो अवमूल्यन होता है, होना चाहिए कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक नागरिक है, उसका हित कहाँ है और कौन सत्ता माध्य से उसका हित साधन होगा, इसी बात को ध्यान रखना चाहिए, न कि वो जो हफीम पिलाई जा रही है धर्म या जाति, इन चीज़ों पर नागरिक को नहीं जाना चाहिए, उससे उसका उसका अहित होता है। क्योंकि तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, बिहार समस्या है रोजगार, बिहार समस्या है विकास, इन समस्याओं पर काम बखूबी हो रहा है, आगे भी हो, इसी पर ध्यान लोगों को देना चाहिए। चलिए तो आपने सुना देव प्रकाश सिंह साहब से किस तरीके से थंपिंग विक्ट्री मिली है आज बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, पटना हाईकोर्ट का यह फैसला। देखिए वो जमाना भी था जब बिहार के राजपाट के बारे में कहा गया था कि बिहार में जंगल राज है, और आज पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का जो फैसला है वह न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, प्रतिस्थापित करता है, सरकार ठीक काम कर रही है। तो इन खबरों पर हम आगे भी बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। ये मैंने कहा शिलालेख पर ये लिखने लायक, शिलालेख पर लिखे जाने लायक, देखिए ये अखबारों की खबर नहीं है, शिलालेख की, शिलालेख की खबर है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।